टाइम्स, एक नजर 10 बड़ी खबरों पर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महामारी एक्ट के तहत दर्ज केस होंगे खत्म। यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस की सेंट्रल मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक शुरू। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के चौथे राउंड में टीएमसी आगे, कांग्रेस दूसरे नंबर पर। हरिद्वार के गंगा में नहाने गई 3 महिलाएं डूबी, तीनों एक ही परिवार से। ओडिशा उपचुनाव के पीपली सीट पर बीजेडी के उम्मीदवार 1406 वोटों से आगे, बीजेपी दूसरे नंबर पर। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 22,842 नए केस आए, 244 लोगों की मौत। पीएम मोदी की मां हीरा बहन ने डाला वोट, 44 सीटों के लिए हो रही वोटिंग। क्रूज कंपनी के सीईओ का बयान, कुछ यात्रियों के सामान से ड्रग्स मिले। ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख के बेटे आर्यन से एनसीबी की पूछताछ, 8 लोग गिरफ्तार, मोबाइल फोन भी किए गए जब्त। आनंद पर कसा सिकंजा, सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर का बैंक सिग्नेचर से हुआ मिला। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स, रहें सुरक्षित और सतर्क।